नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला विरोधी वीरेंद्र कुमार दर्शक। आज हरिजन विकास समिति लिमिटेड के सचिव जय जनम पासवान ने एक विद्यालय का उद्घाटन किया। जिस तरह आप जानते हैं हरिजन विकास समिति लिमिटेड जो है उसका नाम ही है एनजीओ का, जो बहुत बहुत ही पुरानी, बिहार की बहुत पुरानी वो एनजीओ है और उसका नाम हरिजन के नाम से रजिस्टर्ड, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। जिस तरह संघ का जो कम से कम जो है उसका जो उद्देश्य है कि हर एक जिला में जो हरिजन विकास समिति लिमिटेड कहीं ना कहीं एक विद्यालय खोले और बच्चों को शिक्षित करे, जिस तरह आज जय जनम पासवान ने एक विद्यालय का उद्घाटन किया, कहीं ना कहीं दलित समाज के बच्चों को उत्थान करने में, शिक्षा हासिल करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। जय भारत, जय बाबा साहेब, जय संत। आज दिनांक 1/12/2023 से गोझारी गाँव में हरिजन विकास सहयोग समिति के द्वारा दलित बच्चों को फ्री शिक्षा दी जा रही है। यहाँ की शिक्षिका बबीता देवी हैं, सभी बच्चों के साथ साथ शिक्षिका बबीता देवी को समिति के सभी सदस्यों के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विनोद सर का सहयोग रहा। जय भारत, जय बाबा साहेब, जय संत। आज दिनांक 1/12/2023 से गोढ़ियाजी गांव में हरिजन विकास सहयोग समिति के द्वारा दलित बच्चों को फ्री शिक्षा दी जा रही है। यहाँ की शिक्षिका बबीता देवी हैं, सभी बच्चों के साथ साथ हरिजन विकास सहयोग समिति की तरफ से और उनके सभी सदस्य के तरफ से शिक्षिका बबीता देवी के साथ साथ सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विनोद सर का सहयोग रहा। जय भारत, जय हिंद, जय सर। आधा चल गेलो।